हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए एक और शानदार प्रॉपर्टी लेके आ गए हैं। 500 गज में है, वेस्ट फेसिंग है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो अपर ग्राउंड डुप्लेक्स अवेलेबल है और फर्स्ट फ्लोर अवेलेबल है। प्राइजिंग एकदम जेन्युइन है, बाकी बहुत शानदार काम करवाया हुआ है बिल्डर ने। एंड एलिवेशन आप देख ही सकते हैं, एकदम टॉप नॉच वर्क है। बाकी अलग अलग पार्किंग गेट्स मिल जाते हैं हर एक फ्लोर के लिए, बीच में कॉमन गेट मिल जाता है, साथ में आपका यहाँ पे गार्ड रूम आ जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो जैसे ही यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ पे आपको पैनासोनिक का डोर फोन कैमरा मिल जाता है। एंड दिस इज़ अ पार्किंग स्पेस ओवर हियर। फॉल सीलिंग वर्क मिल जाता है एलईडी लाइटिंग के साथ, ऊपर प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है आपको। वॉल पे आप देख सकते हैं सारा ग्रूविंग वर्क आ जाता है आपका वॉल पे, और फुटलाइट्स मिल जाती हैं आपको। बाकी ये देखिए पार्किंग स्पेस कितना शानदार मिल जाता है यहाँ पे आपको। तो अपर ग्राउंड की जो है ये वाली पार्किंग लेन आ जाती है और फर्स्ट फ्लोर की ये वाली पार्किंग लेन आ जाती है। बाकी इसमें ऊपर के दो फ्लोर सोल्ड आउट हैं। एंड इस साइड पे हम जाते हैं तो बाकी सारे आपके सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड है। यहाँ से जाते हैं तो इस साइड पे आपको हर एक फ्लोर के लिए एक एक सर्वेंट रूम मिल जाता है और पीछे कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल पैनल आ जाता है, ये हमारी शाफ्ट। एंड यहाँ से ही आप देखेंगे तो पूरा आपका पिलर पे भी जो है सारा स्टोन वर्क मिल जाता है आपको। तो मैं अपना जो है अपर ग्राउंड डुप्लेक्स दिखाने वाला हूँ, पर उसको दिखाने से पहले आपको मैं हमारी लिफ्ट लॉबी दिखा देता हूँ। लिफ्ट लॉबी जो है हमारी यहाँ पे वेटिंग लाउंज, बेसिकली यहाँ पे हमारा सोफ़ा वगैरह आ जाएगा वेटिंग लाउंज के लिए। और ये देखिए यहाँ पे आपको शिंडलर की लिफ्ट मिल जाती है, पूरा इटालियन मार्बल का वर्क आ जाता है। नीचे फ्लोरिंग में भी इटालियन मार्बल मिल जाता है आपको। फॉल सीलिंग में एलईडी लाइटिंग के साथ वर्क मिल जाता है। बाकी पूरा ग्लास का आपको यहाँ पे फिनिश मिल जाएगी एंड काफ़ी हैवी गेट मिल जाता है इसका। तो मैं आपको जो है हमारे डुप्लेक्स में एंटर करवाता हूँ। तो जैसे मानिए वहाँ से आपकी गाड़ी आती है, यहाँ पे खड़ी होती है एंड ये वाली जो है हमारी एंट्री लॉबी आ जाती है यहाँ पे। और यहाँ से जैसे ही एंटर करते हैं तो ये आ जाता है हमारा डुप्लेक्स। तो एंटर करते ही यहाँ पे आप देखेंगे पूरा जो है आपको इटालियन मार्बल का वर्क मिल जाएगा पूरा वॉल पे, उस पर आपका पूरा इटालियन मार्बल मिल जाता है। एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए पूरा एलईडी लिट मिल जाता है, ऊपर आपका सेंट्रलाइज्ड एसी मिल जाता है, नीचे आपका पूरा स्टोन वर्क मिल जाता है आपको। पीछे जाएंगे तो पीछे आपको कुछ ऐसी स्पेस मिल जाती है जैसे आप पार्टी वगैरह गेट टुगेदर वगैरह करना चाहें तो उसके लिए बहुत शानदार जगह निकाल के दी हुई है बिल्डर ने। एंड यहाँ से हम जैसे ही अब आगे बढ़ेंगे तो बाकी यहाँ पे भी वेंटिंग आ जाती है, उस साइड पे भी वेंटिंग मिल जाती है आपको सेंट्रलाइज्ड एसी की। और ये हमारा बेसिकली जो है टेम्पल के लिए स्पेस निकाली है, या फिर आप जिस भी तरीके से स्पेस को यूटिलाइज करना चाहें वैसे कर सकते हैं। और यहाँ से हमारा जो है स्टेयरकेस ऊपर जाती है, स्टेयरकेस में हम जाएंगे तो ये देखिए पूरा आपका यहाँ पे इटालियन मार्बल मिल जाता है फ्लोरिंग में। एंड दिस इज आवर एंट्री टू द फ्लोर नाउ।
हम नीचे से आते हैं, ग्लास रेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है और डुप्ले है हमारा ये। एंड यहाँ पे आते के साथ ही नीचे से, तो मैं यहाँ पे खड़े होके आपको बेसिक बेसिक जो है एरिया एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस साइड पे हमारा ड्राइंग डाइनिंग आ जाएगा, वहाँ पे एक बेडरूम, पाउडर किचन, एक बेडरूम, दो बेडरूम, तीन बेडरूम, तो ये हमारा फ्लोर प्लान रहने वाला है। तो चलिए आपको मैं हमारे ड्राइंग रूम से शुरुआत करता हूँ। इस साइड पे आ जाता है हमारा ड्राइंग स्पेस। ड्राइंग स्पेस में आप एंटर करेंगे तो ये देखिए बहुत ह्यूज स्पेस निकल के आता है हमारा। एंड सेंट्रलाइज्ड एसी है पूरे घर में आपका, ये आप जितना भी देख रहे हैं सारा इटालियन मार्बल की फिनिश है पूरी वॉल पे आपकी, एंड बहुत शानदार फिनिश दी हुई है। सामने आपका पूरा वुडन वर्क आ जाता है, उस साइड भी आपका पूरा वुडन वर्क आ जाता है। एंड डिवाइड करते हैं एरिया को, तो ये वाला एरिया जो है पूरा हमारा ड्राइंग स्पेस निकल के आता है, उस साइड पे हमारा डाइनिंग स्पेस निकल के आता है। एंड इससे आगे मैं अगर बालकनी में दिखाऊं तो ये देखिए कुछ इतनी बड़ी हमें जो है पूरी बालकनी स्पेस मिल जाती है यहाँ पे। एंड एक टैप उस साइड पर मिल जाती है, एंड वॉल पे आप देखेंगे तो पूरी टेक्सचर फिनिश मिल जाती है आपको। सामने पूरे प्लांटर्स की जगह मिल जाती है, ऊपर आपका जो है ACP शीट के लूअर्स आ जाते हैं। तो इसे कर देते हैं बंद। बाकी ये मैं आपको बताऊं तो डबल ग्लेज्ड आपका जो है बालकनी में गेट जो है डबल ग्लेज्ड ग्लास के साथ आ जाता है। ये देखिए, एंड यहाँ से हम जैसे ही आगे प्रोसीड करते हैं तो इस साइड पे आ जाता है हमारा पाउडर रूम। रूम में आप देखेंगे तो पूरा जो है आपका इटालियन मार्बल की फिनिश मिल जाती है, फ्लोरिंग में भी, वॉल पे भी। एंड कोल्स्टन की आपकी जो है सारी यहाँ पे फिटिंग रहने वाली है। आप देख सकते हैं कितनी डिजाइनर टैप मिल जाती है आपको यहाँ पे। ये देखिए, एलईडी लाइट मिरर मिल जाता है आपको यहाँ पे। सामने आपकी पूरी ग्लास की फिनिश आ जाती है इस साइड पे। तो ये था हमारा पाउडर रूम, मतलब फिनिश की बात करें बहुत शानदार फिनिश दी हुई है। बाकी ये वाला गेट जो है हमारा मेन एंट्री का आ जाता है, जो हमारा लिफ्ट लॉबी से आती है स्टेयरकेस। ये देखिए, ये वो वाला रास्ता हो जाता है और वो वाली लिफ्ट लॉबी आ जाती है हमारी। एंड इसे कर देते हैं बंद। एंड बंद करने के बाद इस साइड पे आ जाती है हमारी किचन।
किचन में आप जैसे ही एंटर करेंगे ये देखिए ह्यूज किचन मिल जाती है, बहुत शानदार फिनिश दी हुई है। एंड वहाँ से जैसे ही आप एंटर करेंगे तो किचन में एंटर करते ही पूरा आपका इटालियन मार्बल का ब्लॉक मिल जाता है। उससे बाहर भी है पर स्टोन का चेंज है तो वो इसलिए मैंने बोला। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वेट एरिया उस साइड पे आ जाता है। यहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल वॉश करने के लिए बेसन दिया हुआ है, डबल डोर फ्रिज के लिए स्पेस, ऊपर आपका डाइकिन का एसी आ जाता है, पैंट्री पुल आउट मिल जाती है आपको यहाँ पे, एलिका की आपकी माइक्रोवेव ओवन आ जाता है यहाँ पे, और एलिका की ही आपके हॉब और चिमनी आ जाते हैं। एंड फिटिंग्स की बात करें तो ग्रास की यहाँ पे आपको फिटिंग मिल जाती है, ऑस्ट्रियन ब्रांड है बेसिकली ये ग्रास, इटालियन मार्बल का टॉप है, वॉल पे भी पूरी इटालियन मार्बल की फिनिश मिल जाती है आपको। बहुत ज़्यादा स्पेशियस किचन है, स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हैं, मैं एक सेकंड कॉर्नर में एक में खड़े होकर दिखाता हूँ आपको किचन, ये देखिए कितनी स्पेशियस आपको जो है यहाँ पे ना किचन मिल जाती है। विंडो दी हुई है जो कि हमारी शाफ्ट में खुलती है, एंड बहुत ह्यूज किचन है। तो नीचे आपके यहाँ पे जैसे फ्रूट वेजिटेबल बास्केट आ जाती है, हर एक स्पेस में खोल के नहीं दिखा सकता हूँ, दिखाऊंगा तो आप ही उस चीज़ में इरिटेट होंगे क्योंकि मेरे पास काफ़ी बार कमेंट्स आते हैं कि मैं हर एक जो है स्टोरेज स्पेस खोल के दिखाता हूँ, तो इसलिए मैं सारी स्पेस खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको उससे आइडिया लग रहा होगा। पूरी जो है ये सारी हमारी नीचे ऊपर भी और नीचे भी सारी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। एंड यहाँ से हम जैसे ही अब आगे प्रोसीड करेंगे तो मैं लेके चलता हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। इस साइड पे आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम में हम जैसे ही एंटर करते हैं ये देखिए शानदार फिनिश दी हुई है बिल्डर ने, बहुत शानदार फिनिश है। एंड सेंट्रलाइज्ड एसी है डाइकिन का हमारा, एंड इस साइड पे रियर बालकनी है, मैं रियर बालकनी भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये हमारी रियर बालकनी आ जाती है। इसको बंद करने के बाद बाकी इस साइड पे आ जाता है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम में आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखिए आपके सेपरेटेड हैं, WC इस साइड पे आ जाती है, शावर एरिया इस साइड पे आ जाता है, सामने बीच में आपका विट्रा और कोल्सन की आपकी फिटिंग्स के साथ आपका सैनिटरी फिटिंग्स आ जाती है, इटालियन मार्बल का टॉप, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग में। यहाँ पे लगभग 6x8 की वार्डरोब आ जाती है, एक 6x8 की आपकी वार्डरोब यहाँ पे आ जाती है। वार्डरोब की स्पेस एक मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए बाकी इस साइड पे आ जाता है हमारा शावर एरिया। शावर एरिया में ये देखिए और बाकी इस साइड पे भी वार्डरोब आ जाती है और इस साइड पे हमारा WC और गीजर आ जाता है। तो ये था हमारा पहला बेडरूम और उसका वॉशरूम। अब यहाँ से जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में जैसे ही एंटर करेंगे नीचे आपका टोटल वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, वॉल पे आपका ग्रूविंग वर्क आ जाता है, ऊपर वेंटिंग आ जाती है यहाँ पे एसी के लिए, बाकी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है सीलिंग में, ह्यूज सी विंडो दी हुई है नेचुरल लाइट के लिए, बालकनी का एक्सेस दिया हुआ है जो अभी मैंने आपको बालकनी दिखाई थी।
एंड इस साइड पे आ जाता है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम में आप जैसे ही एंटर करेंगे तो वॉशरूम में आप देखेंगे नीचे आपका टोटल इटालियन मार्बल फ्लोरिंग आ जाती है। इटालियन मार्बल का टॉप, विट्रा कोल्स्टन की फिटिंग, एलईडी लिट मिरर मिल जाता है आपको, ये देखिए। और यहाँ पे ग्लास पार्टीशन के साथ शावर एरिया आ जाता है आपका। एंड यहाँ पे आपकी लगभग आइडिया दूँ तो आपको 8x8 की वार्डरोब आ जाती है आपकी पूरी। एंड वार्डरोब अगेन सेम ही है अंदर से, साइज और जो आपकी स्टोरेज है लगभग सारी वार्डरोब्स की सेम मिल जाती है आपको। तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। अब यहाँ से जो है हमारा आ जाता है थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में जैसे ही एंटर करते ही साथ में वार्डरोब आ जाती है आपकी यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी अगेन ग्रोविंग वर्क आ जाता है डिज़ाइनिंग के साथ। ऊपर सिंपल सोबर फॉल सीलिंग मिल जाती है आपको, ये देखिए। और इस साइड पे आपका एसी की वेंटिंग मिल जाती है। एंड पीछे की बालकनी इसकी सेपरेट आ जाती है, दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। इसकी सेपरेट बालकनी मिल जाती है आपको, यहाँ पर टैप आ जाती है आपकी। और इस साइड पे आ जाता है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम में आप जैसे एंटर करते ही इस साइड पे आपकी अगेन 8x8 की वार्डरोब यहाँ पे मिल जाती है आपको। और स्पेस अगेन सेम है, इटालियन मार्बल आपका फ्लोरिंग है, इटालियन मार्बल आपका वॉल पे, इटालियन मार्बल का टॉप मिल जाता है आपको। एक सेकेंड, ये देखिए, तो एलईडी लिट मिरर मिल जाता है आपको यहाँ पे। कोल्स्टन की एंड विट्रा की फिटिंग्स आ जाती है। नीचे वैनिटी स्पेस, ग्लास पार्टीशन के साथ शावर एरिया मिल जाता है आपको यहाँ पे। एंड सारी सैनिटरी फिटिंग्स सारी आपकी कोल्स्टन की आ जाती हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम से निकल के जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे तो आगे की तरफ हमारा आ जाएगा फोर्थ बेडरूम। इस साइड पे आ जाता है हमारा फोर्थ बेडरूम। फोर्थ बेडरूम में जैसे ही एंटर करेंगे अगेन नीचे आपकी इटालियन मार्बल फ्लोरिंग आ जाती है। सामने वॉल पे आप देख सकते हैं पूरा जो है आपका पैनलिंग वर्क आ जाता है, एलईडी लाइटिंग आ जाती है, सिंपल सोबर फॉल सीलिंग वर्क मिल जाता है। ह्यूज सी विंडो बालकनी के एक्सेस के लिए, जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी वही बालकनी आ जाती है। गेट के पीछे यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाती है, ये देखिए, 6x8 के आसपास की आपको यहाँ पे वार्डरोब मिल जाती है। एंड एसी की वेंटिंग आ जाती है यहाँ पे। और इस साइड पे आ जाता है हमारा वॉशरूम।
बेसिकली ये जो है हमारा मास्टर वॉशरूम आ जाता है, क्योंकि इसमें आपकी स्टोरेज भी ज़्यादा है, साइज़ भी बड़ा है वॉशरूम का। ये देखिए 8x8 की वार्डरोब इस साइड पे आ जाती है, मिक्स में आपका इस साइड पे ग्लास की फिनिश, इस साइड पे वुडन की फिनिश। खोल के मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए और 8x8 की वार्डरोब इस साइड पे आ जाती है। सामने ह्यूज सा आपको मिरर मिल जाता है, जिस मिरर में आ जाता हूँ मैं, जो कि आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आप जल्द से जल्द देख पाएँ। एंड कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने नंबर जो है वीडियो के एंड में भी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है, उस पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे बात करें तो नीचे आपका टोटल इटालियन मार्बल फ्लोरिंग आ जाती है, वॉल पे सारा इटालियन मार्बल का वर्क आ जाता है, ग्लास पार्टीशन के साथ ह्यूज सा आपका शॉवर एरिया मिल जाता है। ये देखिए कोल्स्टन की सारी फिटिंग्स, विट्रा का आपका यहाँ पे बेसिन आ जाता है, नीचे वैनिटी स्पेस आ जाती है। तो ये था हमारा पूरा फ्लोर, मैंने आपको पूरा फ्लोर दिखा दिया है। बाकी हल्का फुल्का जो है फर्स्ट फ्लोर के फ्लोर प्लान में चेंजेस हैं, और मतलब आप जब भी विजिट के लिए आएंगे वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। एंड यहीं पर जो है अब मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखा दी है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी और लोगों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए जिनको ऐसी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है। बाकी आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, अगर आप एक फ्लोर चाहते हैं, चार फ्लोर चाहते हैं, पूरी बिल्डिंग चाहते हैं, कोठी चाहते हैं, विला चाहते हैं, प्लॉट चाहते हैं, अपार्टमेंट चाहते हैं, किसी भी तरह की आपकी जो है इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पर्सनल के लिए हो, रेजिडेंस के लिए हो, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट के लिए हो, तो हर चीज़ हम जो है हैंडल करते हैं। तो मैंने जो है अपना नंबर यहाँ पे इस कॉर्नर में मेंशन किया हुआ है वीडियो के एंड में, उस पर आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होती है नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और इस साइड पे आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन किया हुआ है, इस पर आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ वीडियो को और से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये प्रॉपर्टी और भी लोग देख पाएँ। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।